जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यादव सरकार में। आज देश में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक समय में देश का नाम रोशन किए, काफी नाम कमाए, लेकिन आज वो बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर है। आज हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक समय में भोपाल की विश्व प्रसिद्ध टीम का भी हिस्सा बने और न्यूजीलैंड, हॉलैंड जैसे विश्व स्तरीय टीमों के खिलाफ उन्होंने भोपाल टीम से भी खेला है, लेकिन आज वो बदहाल जिंदगी जीने में मजबूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉकी के जाने माने खिलाड़ी टेकचंद यादव जी की, जो आज टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर जिंदगी जैसे तैसे गुजार रहे हैं। पत्नी और बेटी की मौत के बाद उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। एक सामाजिक संस्था से दो वक्त की रोटी इन्हें मिलती है, जिसे टेकचंद यादव की जिंदगी चल रही है। 82 साल के टेकचंद यादव मध्य प्रदेश के सागर जिले के कैंट क्षेत्र के एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। वह एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। इससे भी बड़ी बात है कि वह मेजर ध्यानचंद के शिष्य, हॉकी खिलाड़ी व रेफरी मोहर सिंह के गुरु हैं। 1961 में जिस भारतीय टीम ने हॉलैंड को हॉकी मैच में धूल चटाई थी, टेकचंद यादव उस टीम का अहम खिलाड़ी था। 1961 में जिस भारतीय टीम ने हॉलैंड को हॉकी मैच में धूल चटाई थी, टेकचंद यादव उस टीम का अहम खिलाड़ी था। टेकचंद यादव बताते हैं कि 9 दिसंबर 1940 को उनका जन्म कैंट इलाके में हुआ था। उनके पिता दूध का व्यवसाय करते थे। जब टेकचंद स्कूल में पढ़ते थे, तब वह खिलाड़ी को हॉकी खेलते देखते थे। यहीं से उनकी हॉकी खेलने की प्रेरणा मिली। पेड़ तोड़ी डाली काटकर टेकचंद ने हॉकी बनाई और अपने दोस्तों के साथ ये खेल खेलना शुरू किया। टेकचंद बताते हैं कि जब उनके पिता ने इस खेल में उनकी रुचि देखी तो उन्होंने उन्हें असली वाली हॉकी स्टिक दिला दी। टेकचंद यादव ने उम्र के बढ़ने के साथ साथ हॉकी के लिए अपना ये जोश बनाए रखा। टेकचंद का अच्छा खेल देखने के बाद उन्हें DHA की टीम में शामिल कर लिया गया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन की टीम में खेलते हुए भोपाल, दिल्ली, चंडीगढ़ सहित कई शहरों में टूर्नामेंट खेलने के दौरान प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। टेकचंद यादव कहते हैं कि साल 1960 था जब मेजर ध्यानचंद MRC सागर आए। वह यहीं ठहरे थे। इस दौरान उन्होंने सागर और जबलपुर के हॉकी के खिलाड़ियों को बुलाकर प्रशिक्षण दिया। टेकचंद भी उन चंद खिलाड़ियों में शामिल थे। मेजर ध्यानचंद यहां 3 महीने रुके और खिलाड़ियों को ऐसी टिप्स दिए कि उनकी जिंदगी बदल गई। इसके एक साल बाद भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट हुआ। टूर्नामेंट में कई देशों की हॉकी टीम शामिल हुई। इस दौरान टेकचंद यादव को भारतीय टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला। ये मैच हॉलैंड के खिलाफ था। टेकचंद बताते हैं कि उन्हें इतना याद है कि भारतीय टीम इस मैच में बड़े अंतर से जीती थी। जिंदगी के संघर्ष ने उनके हाथों से हॉकी स्टिक छीन ली। 1962 में उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद टेकचंद यादव ने हॉकी खेलना बंद कर दिया। घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने प्राइवेट नौकरी करनी पड़ी। इस बीच उनकी पत्नी का निधन हो गया, साथ ही बेटी भी चल बसी, जिसके बाद टेकचंद बिल्कुल अकेले पड़ गए। वर्तमान के समय में वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, जिससे उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। सुबह और शाम को सीताराम रसोई सामाजिक संस्था से भोजन आता है। वर्द टेकचंद के मुताबिक झोपड़ी कच्ची होने से उनके पास हॉकी खेलने के दौरान मिले मेडल और पुरस्कार थे, जो नष्ट हो गए। आज कोई भी उनका सुध लेने वाला नहीं है। उनके 4 भाई थे, लेकिन सभी नौकरी करने बाहर चले गए। वर्तमान में टेकचंद यादव एक कच्ची झोपड़ी में जिंदगी गुजार रहे हैं। खिलाड़ी देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। उनका पूरा फोकस अपने खेल पर होता है। ऐसे में अगर वो खेल में अपना बड़ा नाम न बना पाया तो उनका करियर पूरी तरह खत्म होने की पूरी संभावना रहती है। इसके बाद ऐसे खिलाड़ियों की स्थिति कितनी बुरी हो सकती है, इसका उदाहरण टेकचंद यादव है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर से टेकचंद यादव को मदद मिल सकती है, क्योंकि वीडियो शेयर होगी तो सभी के पास जाएगी और सभी जागरूक होंगे और टेकचंद यादव की आवाज उठाएंगे, और आवाज सरकार के पास जाएगी तो सरकार जरूर मदद करेगी।